आपको यह बताया, अब्दुल अलीम खान से चाइनीज कंपनी के वफद की मुलाकात। पंजाब के बड़े शहरों में कूड़े करकट से बिजली के प्लांट लगाने का फैसला। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान मलिक से। जी इमरान, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जैनब जी, तो ये बिल्कुल पंजाब के बड़े शहरों के लिए खुशखबरी है, कूड़े क्रिकेट से बिजली के प्लांट लगेंगे। इस हवाले से सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का कहना है कि चीनी कंपनी के वफद की मुलाकात में ब्रीफिंग दी गई है, जिस पर उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत की जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ सरमायाकारी करेंगे। और इस हवाले से लाहौर शहर के कूड़ा क्रिकेट से 35 मेगावाट बिजली जो है वो मनसूबा तैयार किया गया, जबकि फैसलाबाद और रावलपिंडी में 30 मेगावाट के मनसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। 22 माह में मनसूबों की तकमील और बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी, और इसके साथ साथ कूड़ा क्रिकेट डंप करने की बजाय इससे बिजली हासिल करेंगे। इस मनसूबे से आबादी के नुकसान और पानी को आलूदा होने से बचाया जाएगा, जबकि वेस्ट कलेक्शन से माहौलियाती बेहतरी के लिए जो दूरस्थ इकदाम कर रहे हैं, जबकि सूबे में बदतरीन लैंडफिल साइट खत्म कर देंगे। तमाम शहरों में कूड़े क्रिकेट से कार आम अशिया बनाएंगे। इस मनसूबे के लिए चीनी कंपनी के कूड़ा खरीदने की भी पेशकश की गई है। पंजाब हुकूमत से मुनाफे में भी शराकत करेंगे। इजलास में चेयरमैन PND और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने शिरकत की और ब्रीफिंग भी दी है। जी, बिजली बनाने के नए मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे।